नमस्ते, माधवी न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट से एमसीक्यू। पहला प्रश्न, गनी मियां लाहौर से अमृतसर कितने वर्ष बाद आए थे? 7.5 वर्ष के बाद। अगला, गनी मियां कहां से किस शहर में आए थे? लाहौर से अमृतसर शहर में आए थे। अमृतसर आने का बहाना क्या था? हॉकी का मैच देखने का बहाना। सुखी भटियारिन के भट्टी के पास क्या खुल गया है? पान की दुकान। बहुत दिनों बाद अमृतसर की गलियों में क्या दिख रहा है? दुर्जेदार पगड़िया और लाल तुर्की टोपिया। हकीम आसिफ अली की दुकान पर अब किसने कब्जा कर ली है? एक मोची ने। उन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया, इसका से क्या तात्पर्य है? मस्जिद। हजारों लोगों का सगा संबंधी है कौन? लाहौर शहर। लाहौर से आए लोगों से बात कर लोगों को कैसा लग रहा था? बहुत खुशी हो रही थी। बासा बाजार अब कैसा बाजार हो गया है? एक उजड़ा सा बाजार हो गया है। बासा बाजार में मुख्यतः क्या बिकता था? बांस और शहतीर। बासा बाजार की दुकानें कैसे नष्ट हो गई? आगजनी में। बासा बाजार में जगह जगह क्या दिख रही थी? मलबे का ढेर। आगजनी के दिन बासा बाजार के ज्यादे लोग क्या हो गए थे? अपने मकानों के साथ शहीद हो गए थे। उस दिन उस वीरान बाजार में कौन आया था? एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान। गली में एक तरफ उस बच्चे क्या कर रहे थे या क्या खेल रहे थे? कीड़ी कीड़ा खेल खेल रहे थे। गली में कुछ स्त्रियां क्या कर रही थी? एक दूसरी को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया अमृतसर में, नहीं बदली तो क्या? बोलियां। बूढ़े मुसलमान ने सुनसान गली में आए बच्चे से क्या कहा? इधर आ बेटे, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। गली की एक लड़की ने बच्चे को पकड़ते हुए क्या कहा? रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए क्या निकाला था? पैसा। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने वाले पैसे का क्या किया? वापस अपने जेब में रख लिया। गली के सामने जहां पहले ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहां पर अब क्या है? वहां अब एक 3 मंजिला
मकान खड़ा है, बिजली के खंभे के पास धूप सेकते हुए बूढ़े मुसलमान के मुंह से क्या निकला? या मालिक, एक युवक क्या घुमाता हुआ गली की तरफ आया? चाबियों का गुच्छा। बूढ़े मुसलमान को बिजली के खंभे के पास खड़ा देखकर युवक ने क्या पूछा? कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? नवयुवक को ध्यान से देखते हुए बूढ़े मुसलमान ने क्या कहा? बेटे, तेरा नाम मनोरी है ना? बूढ़े मुसलमान ने अपने लड़के का नाम क्या बताया? चिराग दीन। चिराग दीन क्या काम करता था? दर्जी का। मनोरी ने बूढ़े मुसलमान को पहचानते हुए कहा, क्या कहा? ओ गनी मियां, गनी मियां क्या देखने के लिए आया था? अपनी मकान की एक सूरत। मनोरी ने गनी मियां का पांव पकड़कर क्या कहा? चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में क्या खबर फैल गई थी? बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदीन के लड़के को रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। मनोरी गनी मियां को लेकर गली में दाखिल हुआ तो वहां कौन रह गया था? सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। रखा पहलवान कहाँ सोया हुआ था? कुएं पर, उगे पीपल के नीचे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर गली में क्या शुरू हो गई? चे मो गैया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। किसने कहा? मनोरी ने कहा। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, उसमें से क्या झांक रही थी? टूटी और जली हुई ईंटें। गनी खान क्या देखकर बैठ गया? दरवाजे का चौखट, गनी खान की टोपी और बालों पर क्या आ रहे थे? जले हुए चौखट के रेशे। शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने चिराग को बुलाया तो चिराग क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। उन दिनों गली का बादशाह कौन था? रखे पहलवान। चिराग क्या छोड़कर बीच में ही नीचे आ गया? हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे आ गया। चिराग की पत्नी का नाम क्या था? जुबेदा। चिराग की दो लड़कियों का नाम क्या था? किस्वर और सुल्ताना। धन्यवाद।